भूख से बड़ा मजहब और रोटी से बड़ा ईश्वर, कोई हो तो बता देना, मुझे भी धर्म बदलना है। कहने को भारत बहुत महान है, पर इसी भारत में 20 करोड़ लोग हर रोज भूखे सोते हैं। 4 में से हर एक बच्चा इस देश में भूखा सोता है। ऐसे में ही देश के किसी कोने में अगर कोई भूखे को खाना खिलाए, वो भी सिर्फ 5 रुपए में, तो ये सुनकर साहब दिल ही खुश नहीं होता, आत्मा भी खुश हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साईं की रसोई के बारे में, जो पटना के कंकड़बाग इलाके में भूतनाथ रोड में शुरू हुआ है। यहाँ संध्या 7 बजे से लेकर 9 बजे तक गरीबों के लिए मात्र 5 रुपए में 1 प्लेट भोजन उपलब्ध है। और ये साईं की रसोई चला रही हैं पटना की 2 महिलाएं, जो इंटरप्रेन्योर भी हैं और समाज सेवी भी। 3 जून 2018 को पटना की अमृता सिंह, पल्लवी सिन्हा और साथ में अशोक कुमार वर्मा के प्रयास से जो यह मुहिम शुरू हुई है, अब उसकी वजह से उस इलाके में कोई भूखा नहीं सोएगा। आपका साईं की रसोई की शुरुआत करने का मकसद क्या है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखे सोने देना नहीं चाहती है। तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये ख्याल आता था कि किसी दिन अगर मेरा बच्चा भूखे सो जाता था तो मैं 10 बार बोलती थी, मेरा बच्चा भूखे सो गया, भूखे सो गया। तो कई ऐसी माएँ हैं जो मजबूरी में अपने बच्चों को भूखा सुलाती हैं क्योंकि उन्हें खाना मिल नहीं पाता है। तो एक दिन बैठे बैठे मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी शुरुआत की जाए कि कम से कम बच्चों का पेट भर सके हम और किसी का बच्चा भूखा ना सोए, ताकि माँ चैन की नींद सो सके। तो इसी से मुझे ये आइडिया आया और मैंने और पल्लवी ने डिसाइड किया कि हम ये शुरू करेंगे साईं की रसोई के नाम से, क्योंकि भगवान की रसोई कभी खाली नहीं होती है और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तभी से ये शुरुआत हुई और 3 जून को हमने शुरू कर दिया ये। और व्यंजन में क्या क्या देती हैं आप? हम लोगों ने, चूँकि रात का खाना है और खाना ऐसा होना चाहिए जो पेट भर जाए, तो हम चावल और मिक्स वेजिटेबल करी दे रहे हैं। मिक्स वेजिटेबल यानी कि सारी सीजनल सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बनाई जा रही है, ताकि एक उनको पौष्टिक खाना मिल सके। और साथ में चावल, सब्जी और अचार, ये तीनों चीज़ें दे रहे हैं ताकि वो ठीक से खा के और सो सकें। अभी तो यही है, हर दिन हम सब्जी बदल रहे हैं ताकि लोगों का टेस्ट बदलता रहे। और कल चूँकि साईं का दिन है तो हम उनके हिसाब से सेवई और पूड़ी देंगे लोगों को, एज अ प्रसाद भी कहिए और खाना भी कहिए। तो बच्चों के अंदर वो फीलिंग आएगी कि कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही।